अब से 7 साल पहले हमारे जैन संतों ने प्रेरणा ये दी थी कि दुनिया में कहावत है कि बकरा अपनी मौत नहीं मरता। हमारे जैन संतों ने कहा कि इस मूक प्राणी की रक्षा, इसको जो कहावत चली आ रही है उसको बदलना है, इनको जीवन दान दो। तो 2016 में हमने एक बकराशाला जीवदया संस्थान के रूप में यहाँ स्थापित की और तब उस समय 40-45 बकरों से हमारी इस बकराशाला की शुरुआत हुई थी। आज जहाँ लगभग 500 करीब बकरे हैं और वहाँ जगह कम पड़ने लगी, इतने दानवीरों ने हमें सहयोग दिया समाज के। और सराय के निवासी दिल्ली में रहते हैं मनोज जैन निक्की फैशन, और उनके सहयोगी हैं सौरभ जैन और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने सबको जोड़ा। मेन प्रेरणा स्रोत मनोज जैन निक्की फैशन वाले ही हैं। और जब यहाँ जगह कम पड़ने लगी तो ये लगभग 5000 वर्ग गज की भूमि हमने यहाँ 2 वर्ष पूर्व क्रिया की, जिसका कल विधि विधान के साथ लोकार्पण हुआ। और पिछले 1 सप्ताह से ईद की पूर्व संध्या तक हमारी संस्था को लगभग 250 लोगों ने अपनी ओर से बकरा खरीद करके यहाँ दान में दिया, ताकि उसका लालन पालन किया जा सके और वो अपनी खुशी से अपने पूरे उम्र पर आकर के अपना देहावसान करे। हमारी कोशिश है कि हर तरह से तन मन धन से उनकी रक्षा करनी है, हमारी जान भी जाएगी तो हम इन जीवों को बचाएंगे। यहाँ पर बकरों के लिए ठहरने की, रहने की, पानी की, चारे की, दवाई की नियमित रूप से यहाँ चिकित्सक उनका चेकअप करता है। हमारे प्रदीप भाई यहाँ सहयोगी हैं, यहाँ रहते हैं दिन रात सेवा में रहते हैं और बहुत सारे कर्मचारी उनकी सेवा में रहते हैं और उनका इलाज बाकायदा सब देख रेख पूरी की जाती है। ये जो आपने अभियान चलाया बकराशाला, ये शायद पहला ऐसा उत्तर भारत में, क्योंकि राजस्थान मध्य प्रदेश सब जगह गौशालाएं बहुत हैं, लेकिन जीवदया संस्थान के रूप में बकराशाला उत्तर भारत की पहली बकराशाला है। और पिछले 7 साल में जहाँ 40-45 बकरों से इसकी शुरुआत हुई, आज लगभग 500 बकरों का यहाँ हम लालन पालन कर रहे हैं। और हमें समाज का, जैन समाज के जो यहाँ से लोग दिल्ली गए हैं, इधर उधर हैं, बड़ौत में हैं, मेरठ में हैं, सबका सहयोग मिल रहा है और सब बढ़ चढ़ करके जीवदया का पालन करते हुए, भगवान महावीर के सिद्धांतों का पालन करते हुए बकरा दान कर रहे हैं, ताकि उनको आजीवन जीवन दान मिल सके। आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट है? आने वाले समय में हमारा लक्ष्य यह है कि पक्षी बहुत जगह घायल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनको मारने की कोशिश होती है, तो एक पक्षी का आश्रय, पक्षी आश्रय स्थल भी हम बना रहे हैं। 45 मंजिला टावर आश्रय, 45 मंजिला बनाएंगे, जिसमें पशु पक्षियों को, घायल पक्षियों को लाया जाएगा, असहाय पक्षियों को लाया जाएगा, जो अनाथ हैं जिनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है उनको लाया जाएगा और उनका पूरा वहां पर इंतजाम किया जाएगा, चारे का और खाने दाने का और दवाई का। किस तरह के होंगे टावर? टावर इसमें ऐसे होंगे कि जैसे ये पक्षी घर होते हैं ना, जो लोग जैसे पालते हैं पालतू पक्षियों को, ऐसे ही अलग अलग मंजिल के हिसाब से वो टावर 45 मंजिल 45 उसमें 45 वो होंगी। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें एक एक टावर की जो हमने दान की राशि रखी है वो 1 लाख रुपए रखी है। कल लोकार्पण के टाइम भी हमारे लगभग दर्जन भर श्रद्धालुओं ने मौके पर ही घोषणा की कि एक टावर हमारी ओर से बनेगा, एक टावर हमारी ओर से बनेगा। तो इस तरह से हमारी उम्मीद है कि 45 टावर के लिए बहुत जल्दी हमें सब सहयोग राशि, धनराशि लोगों से मिल जाएगी और हम उसका शीघ्र, बहुत शीघ्र निर्माण शुरू करेंगे। ये बकराशाला अब बकरों से तो शुरुआत है, चूंकि ये मूक पशु है, इसकी जिस रूप में कुर्बानी एक तरह से लोग कहते हैं कि अल्लाह को प्यारी है, हम ये अल्लाह के बंदे हैं, हम चाहते हैं कि वो अल्लाह के जो बंदे हैं किसी का भी कोई प्राण हरण ना हो और हम उनकी पूरी सेवा करना चाहते हैं। क्या आपके इस अभियान में कोई मुस्लिम समाज ने किस तरह की कोई प्रतिक्रिया दी आपसे? हमारे क्षेत्र में काफ़ी मुस्लिम लोग हैं, कभी किसी ने इस चीज़ का कोई विरोध नहीं किया और काफ़ी अच्छे जो समझदार मुस्लिम हैं वो सराहना करते हैं कि ये अच्छा काम कर रही है हमारी समाज।